बच्चों, आपने चांद तो देखा होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि चांद हर रात को अपना आकार क्यों बदलता है? क्या चांद जो है वो सच में आकार बदलता है? चांद अपना आकार वास्तविकता में नहीं बदलता, यानी कि मून अपना शेप कभी नहीं बदलता। चांद अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये तो बात आपको पता होगी, और इसको पूरा करने में लगभग 29 दिन का समय लेता है। तो जब चांद चक्कर लगा रहा होता है तो कई बार ये धरती और सूरज के बीच में आ जाता है, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। तो उस टाइम पे मून जो है पूरा ब्लैक दिखता है, यानी कि न्यू मून दिखता है, क्योंकि उस समय चांद धरती को नहीं देख पा रहा होता है। इसी तरीके से जब चांद अलग अलग टाइम पे जब अलग अलग जगह पे होता है तो सूरज की रोशनी उसके एक एक पार्ट पे पड़ती है, मतलब पूरे पार्ट पे नहीं पड़ती है। इस वजह से हमें चांद के बहुत सारे फेजेस या मून के बहुत सारे फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको हम अभी बताएंगे कैसे करना है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं है। हमें एक ब्लैक पेपर चाहिए, एक वाइट पेपर चाहिए। वाइट पेपर जितना भी होगा उसका डबल ब्लैक पेपर चाहिए, ताकि ये इसके अंदर ऐसे एडजस्ट हो सके, ठीक है। और हमको सर्कल बनाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये कैप लिया है, इसको हम इस पर रखेंगे और सर्कल बनाएंगे। मार्क कर लिया मैंने इसको इस पर, और हम सर्कल बनाएंगे। और इस सर्कल को हमें कट कर लेना है, इसको हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमको सर्कल मिल जाएगा। ऐसा ही सेम सर्कल हमको व्हाइट शीट पे भी कट करना है। आप चाहें तो इसे रख के मार्क कर सकते हैं। मैंने ये कैप रखा है और मैं इससे मार्क लगा रही हूँ। और इसको हमें सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। इस तरीके से हमारे दोनों सर्कल कट हो गए हैं। अब हमको इसके अंदर फिक्स करना है। आप देख सकते हैं फिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फ्लैप लगाने हैं। तो इस तरीके से हम फ्लैप को फिक्स कर देंगे। ये हमारे चांद के मूवमेंट में हेल्प करेगा। और इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा। हमारा फ्लैप सूख गया है। अब इसको हमें पेपर के अंदर इस तरीके से रखना है और इसको हम इस तरीके से ढक देंगे। अब अगर हमें फेस को व्यू करना है तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारा न्यू मून है, और इस तरीके से ये आप डिफरेंट फेजेस ऑफ मून देख सकते हो, और ये फुल मून है। और फिर ये 14 डेज का साइकिल इस तरफ चलेगा और 14 डेज का साइकिल आपका दूसरी तरफ चलेगा। ये इस तरीके से मून वापस जाता जाएगा, इस तरीके से 14 डेज का साइकिल हमारा इस तरीके से चलता जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि आप मून को कैसे देख सकते हो, मून फेस व्यूअर कैसे बना सकते हो। ये आपका अपना पर्सनल मून फेस व्यूअर है। इस टाइम लॉकडाउन है तो आपको पता है कि आसमान भी बहुत साफ है, तो आप चाहें तो अपने इस मून फेस व्यूअर के साथ अपने जो स्काई में मून दिख रहा है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं और एक इसकी स्टडी बना सकते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि मून के जो फेजेस हैं वो उसका लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे फेस्टिवल हम चांद की जो ये फेज है इसे देख कर बनाते हैं, जैसे कि हमारी दिवाली या फिर ईद, ये सब हम चांद के इस फेज पे ही डिपेंड करके इन फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी बच्चों आपके लिए। आप बनाएं और मून को इसके साथ कंपेयर करें और मुझे इसकी फोटोग्राफ भेजें। थैंक यू।